हेलो गाइज, दिस इज किशोर। वेलकम बैक टू एडवांस नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सिस्टम टुडे, दैट इज जीआई सिस्टम। ओके, तो जीआई सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। एज यूजुअल फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होगा तब अगर पार्शियल और कंप्लीट कॉन्जेनिटल डिफेक्ट देखने को मिलता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर पार्शियल और कंप्लीटली कॉन्जेनिटल डिफेक्ट देखने को मिलता है तो वो डिफेक्ट के कारण क्या होता है? हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू का फ्यूजन नहीं हो पाता, सॉफ्ट टिश्यू का फ्यूजन नहीं हो पाता, जिसको क्या बोला जाता है? क्लेफ्ट लिप। ओके, एंड बोनी पैलेट का फ्यूजन भी नहीं हो पाता तो उसको क्या बोला जाता है? क्लेफ्ट पैलेट। ओके, तो कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि कॉन्जेनेटल एबनॉर्मैलिटीज के कारण एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल लाइफ में कॉन्जेनेटल एबनॉर्मैलिटीज के कारण अगर सॉफ्ट टिश्यू में फ्यूजन एब्सेंस हो तो उसको क्लेफ्ट लिप बोला जाता है, एंड बोनी पैलेट में अगर फ्यूजन की एब्सेंस ही हो तो उसको क्या बोला जाता है? क्लेफ्ट पैलेट बोला जाता है। ओके, सो ये क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट ये दो टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट वन इज यूनिलेटरल एंड द सेकेंड वन इज बायलेटरल। ओके, तो यूनिलेटरल क्या है? सपोज ये आपका हो गया नोज एंड दिस वन इज द लिप। ओके, यूनिलेटरल मीन्स अगर नोच यहाँ पे कोई कट दिखाई दे वन साइड, ठीक है, यहाँ पे अगर नोच दिखाई दे आइदर वो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ओके, तो अगर नोच दिखाई दे वन साइड में नोच दिखाई देता है तो वो हो गया क्या? यूनिलेटरल। ओके, वो हो गया यूनिलेटरल। एंड अगर बोथ साइड में नोच दिखाई दे, ये जो नोच है या अगर बोथ साइड में दिखाई दे तो उसको क्या बोला जाता है? बायलेटरल। ओके, देन देखेंगे हम इसका इटियोलॉजी, रीजन क्या है, ये जो होता है इसका कॉजेस क्या है। फर्स्ट वन इज हेरिडिटरी। ओके, हेरिडिटरी कॉज भी रहता है। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, जैसे कोई एक्सपोजर टू रेडिएशन, ठीक है, अगर कोई रेडिएशन के साथ एक्सपोज हो जाए तो भी ये कंडीशन देखने को मिल सकता है। देन रूबेला जैसा वायरल इन्फेक्शन, अगर रूबेला जैसा वायरल इन्फेक्शन में भी ये कंडीशन देखने को मिल सकता है। देन क्रोमोजोमल एबनॉर्मैलिटीज, कौन सी क्रोमोजोम के एबनॉर्मैलिटीज में ये होता है? वो है क्रोमोजोम पेयर नंबर 18, ठीक है, 18 नंबर जोड़ी की क्रोमोजोम में अगर कोई एबनॉर्मैलिटीज हो तो भी ये क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिल सकता है। आपको प्रीवियस क्लासेस में पेडियाट्रिक का हमने डिस्कशन किया था कि जब एडवर्ड सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है, 18 नंबर पेयर की क्रोमोजोम में अगर कोई एबनॉर्मैलिटीज हो, ट्राइसोमी हो, तो उसको क्या बोला जाता है? एडवर्ड सिंड्रोम। ओके, एडवर्ड सिंड्रोम के कारण भी ये क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिल सकता है। देन टेराटोजेनिक इफेक्ट, ड्रग्स का अगर टेराटोजेनिक इफेक्ट, कौन सी ड्रग्स? जैसे हमारा आ गया लिथियम, ओके, और डाइजीपाम, ये जैसे ड्रग्स हैं, लिथियम डाइजीपाम जैसे ड्रग्स के कारण भी, इसके टेराटोजेनिक इफेक्ट के कारण भी ये देखने को मिल सकता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें। द फर्स्ट वन इज स्पीच डिजॉर्डर। ओके, अगर उसमें प्रॉब्लम हुआ, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होगा तो वो ठीक से बातचीत नहीं कर पाएगा, तो स्पीच डिजॉर्डर भी देखने को मिलता है। और इम्पेयर्ड वॉइस, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टटरिंग। ओके, इम्पेयर्ड वॉइस को और क्या बोला जाता है? स्टटरिंग, ये भी देखने को मिलता है। देन नाजल कंजेशन, नाजल कंजेशन भी देखने को मिलता है। एंड डिफ़िकल्टी इन फीडिंग। ओके, जब बेबी को हम फीडिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो ठीक से इंटेक नहीं कर पाएगा, डिफ़िकल्टी होगा, ठीक है,
वो देखने को मिलता है। देन हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस में क्यों होता है, जनरली क्या होता है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट में हमको इसमें मिडिल ईयर की इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ओके क्या देखने को मिलता है, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जो कि मिडिल ईयर का इन्फेक्शन कैन लीड्स टू हियरिंग लॉस। ओके द मिडिल ईयर इन्फेक्शन कैन लीड्स टू हियरिंग लॉस, इसीलिए हियरिंग लॉस हमको देखने को मिलता है। देन माउथ ब्रीदिंग, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि क्या होता है, उसका नाजल कंजेशन होता है, दैट्स वाई क्या करेगा वो माउथ में ब्रीथ करेगा। ओके देन देखेंगे हम इसका मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट क्या है इसमें। फर्स्ट वन इज प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, बिफोर सर्जरी व्हाट मैनेजमेंट वी शुड परफॉर्म। ओके सर्जरी से पहले क्या क्या मैनेजमेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट इज असेस द एबिलिटी टू सक स्वालो एंड ब्रीथ विदाउट स्ट्रेस। ओके हम असेस करेंगे कि वो ठीक से सॉकिंग कर पा रहा है, स्वालोइंग कर पा रहा है एंड ब्रीदिंग कर पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज असेस द डेली फ्लूइड बैलेंस एंड कैलोरी इनटेक। हम एक चार्ट मॉनिटर कर प्रिपेयर करेंगे, हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि डेली वो फ्लूइड कितना इंटेक कर रहा है एंड कैलोरी कितना इंटेक कर रहा है। ओके देन मॉनिटर डेली वेट। ओके तो अगर फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी होगी या तो कैलोरी की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, जो कि नॉर्मल अमाउंट में जितना कैलोरी पेशेंट को चाहिए, अगर पेशेंट उतना कैलोरी इंटेक नहीं कर रहा है तो क्या होगा, उसका वेट रिड्यूस होगा, और या तो अगर ज़्यादा कर रहा है तो वेट गेन होगा। ओके तो ज़्यादा का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इसमें फीडिंग में डिफ़िकल्टीज होगा, तो इसीलिए कैलोरी रिड्यूस हो सकता है। डेली उसको जितना अमाउंट में चाहिए नॉर्मली, वो नॉर्मल अमाउंट रिड्यूस हो सकता है, और ये किसको लीड कर सकता है, वेट लॉस को लीड कर सकता है। ओके तो उसका डेली वेट हम असेस करेंगे। देन मॉडिफाई फीडिंग टेक्निक बाय स्पेशल निपल और फीडर। ओके स्पेशल निपल और फीडर के माध्यम से क्या करेंगे, उसका जो फीडिंग टेक्निक है उसको हम मॉडिफाई करेंगे। ओके देन होल्ड द इन्फंट इन ऑपराइट पोजिशन ड्यूरिंग फीडिंग। एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको ऑपराइट पोजिशन में होल्ड करेंगे। ओके देन फीड स्मॉल अमाउंट एंड बर्प फ्रिक्वेंटली। उसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा खाने के लिए देंगे, स्मॉल अमाउंट में खाने के लिए देंगे, और उसके बैक को रब करेंगे, बर्प करेंगे। ओके कीप सक्शन इक्विपमेंट एंड बल्ब सिरिंज रेडी एट द बेड साइड टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पायरेशन। ओके ये लाइन जो है ये नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज की टाइप में आता है क्वेश्चन में, एग्जाम में। ओके उसमें एक क्वेश्चन देगा कि एक पेशेंट को क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की पेशेंट को एक नर्स फीडिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो व्हाट द इक्विपमेंट द नर्स शुड कीप रेडी एट द बेड साइड ऑफ दैट पेशेंट। तो एट दैट टाइम यू हैव टू मेंशन सक्शन इक्विपमेंट और बल्ब सिरिंज, जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो आपको मेंशन करना है। ओके तो एस्पायरेशन की चांसेस हो सकता है, दैट्स व्हाई ए नर्स शुड कीप सक्शन इक्विपमेंट एंड बल्ब सिरिंज रेडी एट द बेड साइड। ओके देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स टू फॉलो ESSR टेक्निक। ओके पेरेंट्स को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि ESSR टेक्निक को फॉलो करने के लिए। ये ESSR टेक्निक क्या है, E स्टैंड्स फॉर एनलार्ज निपल एंड S स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेट द सॉकिंग रिफ्लेक्स। ओके देन S फॉर स्वालो एंड देन R स्टैंड्स फॉर रेस्ट। ओके ये जो स्वालो करेगा अभी या तो कुछ फीडिंग वो इंटेक करेगा, अगर उसकी माउथ के अंदर कुछ रह गया होगा तो लास्ट में हम ये रेस्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो कम्प्लीटली उसको स्वालो कर सके। ओके दैट्स व्हाई वी वुड प्रोवाइड रेस्ट टू दैट पेशेंट। ओके देन सर्जिकल मैनेजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। तो क्लेफ्ट लिप में, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों केस में डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी परफॉर्म किया जाता है। ओके तो क्लेफ्ट लिप में जो सर्जरी परफॉर्म किया जाता है वो है लैबियोप्लास्टी और चेलोप्लास्टी, ठीक है। क्लेफ्ट लिप में जो सर्जरी परफॉर्म किया जाता है
फर्स्ट वन इज लैबियोप्लास्टी और चेलोप्लास्टी, ठीक है। बट द क्लेफ्ट पैलेट में जो किया जाता है वो क्या है, स्टाफाइलोरापी एंड पैलेटोप्लास्टी। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, तो क्लेफ्ट लिप में हम क्या देखें, लेबियोप्लास्टी और चेलोप्लास्टी, एंड क्लेफ्ट पैलेट में क्या हुआ, स्टाफाइलोरापी और पैलेटोप्लास्टी सर्जरी परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो लेबियोप्लास्टी चेलोप्लास्टी ये कौन सी एज में परफॉर्म किया जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है 1 to 3 months ऑफ एज। ओके, और ये जो स्टाफाइलोरापी और पैलेटोप्लास्टी परफॉर्म किया जाता है ये कौन सी एज में परफॉर्म किया जाता है, 8 to 12 months इफ द पेशेंट इज एन इन्फेंट। इफ द पेशेंट इज एन इन्फेंट देन वी वुड प्रोवाइड दिस प्रोसीजर एट 12 to 18 months, बिटवीन 8 to 12 months। ओके, और टोडलर अगर है, पेशेंट अगर टोडलर है तो उसमें किस में प्रोवाइड किया जाएगा, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 12 से 18 महीना, ठीक है। अगर टोडलर है पेशेंट तो कौन सी मंथ में ये प्रोवाइड किया जाएगा, 12 से 18 महीना के बीच। अगर इन्फेंट है तो 8 से 12 महीना के बीच ये प्रोवाइड किया जाएगा, और टोडलर है तो 12 से 18 महीना के बीच ये प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये जो है क्लेफ्ट पैलेट में और ये है क्लेफ्ट लिप में। तो ये जो क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप का ये सर्जरी परफॉर्म करने से पहले कुछ असेसमेंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ 10। ओके, हमने रूल ऑफ 9 पढ़ा था बर्न में। ओके, बर्न भी हम आगे ये टॉपिक लेके आएंगे बर्न का, क्योंकि बर्न में से भी बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो रूल ऑफ 9 जो यूज होता है वो होता है बर्न में, बट इन क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट कौन सा रूल यूज होता है, वो है रूल ऑफ 10। तो रूल ऑफ 10 किसको डिनोट करता है, एज 10 weeks, ठीक है। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज 10 ग्राम एंड वेट शुड बी 10 pound। ओके, तो एज कितना होना चाहिए, मिनिमम 10 weeks होना चाहिए। पेशेंट में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कितना होना चाहिए, 10 ग्राम होना चाहिए, एंड वेट कितना होना चाहिए पेशेंट का, मिनिमम 10 pound होना चाहिए। यह है रूल ऑफ 10। ओके, देन देखेंगे हम इसका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, आफ्टर सर्जरी व्हाट शुड बी द मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज क्लेफ्ट लिप में क्या क्या मैनेजमेंट है, प्रोवाइड लिप प्रोटेक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड लिप प्रोटेक्शन। लिप प्रोटेक्शन हम किस में देंगे, अगर हमारे पास कुछ मेटालिक क्या रहेगा, मतलब अप्लायंस। ओके, कुछ मेटालिक अप्लायंस के माध्यम से और एडहेसिव स्ट्रिप जो आता है हमारा, एडहेसिव स्ट्रिप। ओके, एडहेसिव स्ट्रिप और मेटल अप्लायंस, ठीक है, एडहेसिव स्ट्रिप और मेटल अप्लायंस के माध्यम से, एडहेसिव स्ट्रिप और मेटल अप्लायंस को यूज करके हमको लिप और हमारा चीक को एक साथ जोड़ के रखना है। दैट मीन्स कुछ स्ट्रिप और वो करके वो अप्लाई करना है लिप के ऊपर और चीक में उसको स्ट्रिप को जॉइंट करके रखना है, ताकि ये लिप जो है सर्जिकल साइट स्टेबल होकर रह सके। ओके, तो ऐसे करके हम प्रोवाइड करेंगे लिप प्रोटेक्शन। देन अवॉइड प्रोन पोजिशन, इसमें पेशेंट को आफ्टर सर्जरी प्रोन पोजिशन अवॉइड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर पेशेंट को प्रोन पोजिशन में प्रोवाइड किया जाएगा तो वो क्या होगा, उसका जो सर्जिकल साइट रब हो सकता है बेडशीट या मैट्रेस के ऊपर, सर्जिकल साइट रेड रब हो सकता है, और रब होने के बाद क्या होगा, वो फिर से इंजोर्ड हो जाएगा। ओके, इंजुरी देखने को मिल सकता है उसमें, तो इसीलिए हम प्रोन पोजिशन को अवॉइड करेंगे। ओके, देन पोजिशन ऑन बैक ऑफ राइट, तो प्रोन पोजिशन को अगर अवॉइड करेंगे तो किस पोजिशन में देंगे, उसको बैक में उसको सोने के लिए देंगे, लाई डाउन करने के लिए देंगे, या तो अपराइट पोजिशन में। ओके, देन कीप द सर्जिकल साइट क्लीन एंड ड्राई, सर्जिकल साइट को क्या करेंगे, क्लीन रखेंगे एंड ड्राई मेंटेन करेंगे, उसको ड्राई रखेंगे, और अप्लाई करेंगे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, जो सर्जिकल साइट में एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट अप्लाई करेंगे। देन यूज एल्बो रिस्ट्रेंट्स, ठीक है, एल्बो रिस्ट्रेंट्स क्यों यूज करेंगे, क्योंकि चांसेस रहता है कि बेबी अपना हाथ लगा के जब वो सर्जिकल साइट में वो पेन फील करेगा, इचिंग फील करेगा, ठीक है,
तब क्या कर सकता है, वो अपना हाथ उसमें लगा के उसको रब कर सकता है, इंजुरी होने का चांसेस, फर्दर इंजुरी होने का चांसेस आ सकता है, ठीक है। इसीलिए उसको उस टाइप की एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एल्बो रिस्ट्रेंट्स यूज करेंगे। देन देखेंगे हम पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड ओरल पैकिंग। ओरल पैकिंग हम प्रोवाइड करेंगे, और इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन भी आता है कि ये जो ओरल पैकिंग है इसको हम रिमूव करेंगे यूजुअली कितने दिन के इंटरवल में, 2 to 3 days के इंटरवल में उसको क्या करेंगे, ओरल पैकिंग को रिमूव करेंगे। ओके, देन डोंट अलाउ द चाइल्ड टू ब्रश हिज टीथ। तो सर्जरी हुआ होगा, ओरल पैकिंग हम दिए होंगे, क्या करेंगे, तो अलाउ नहीं करेंगे उसको ब्रश करने के लिए टीथ को। ओके, क्योंकि इंजरी होने का चांसेस रहता है। देन इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स टू अवॉइड ऑफरिंग हार्ड फूड। ओके, तो हार्ड फूड नहीं देना है उसको, सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना है। यूज एल्बो एंड जैकेट रिस्ट्रेंट एंड रिमूव द सेम इन एवरी 2 आवर्स। ओके, हम एल्बो और जैकेट रिस्ट्रेंट यूज करेंगे, पर्पज क्या है, एज यूजुअल हम क्लेफ्ट लिप में जैसे यूज कर रहे थे, मैंने डिस्क्राइब किया था आपको कि बेबी अपना हाथ लगा के क्या करे, उसको इंजुरी ना करे फिर से, इंजोर्ड ना करे फिर से, तभी उसको क्या करेंगे, रिस्ट्रेंट यूज करेंगे। और क्या करेंगे उसको एवरी 2 आवर्स में रिमूव करेंगे, क्यों, टू चेक स्किन इंटीग्रिटी एंड सर्कुलेशन। ओके, देन प्रोवाइड एनाल्जेसिक फॉर पेन। ओके, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे, क्यों, पेन को कंट्रोल करने के लिए। देन इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स टू मॉनिटर इन्फेक्शन ऑन सर्जिकल साइट। और क्या करेंगे, पेरेंट्स को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो सर्जिकल साइट जो हुआ है, क्लेफ्ट लिप का सर्जरी हुआ है या क्लेफ्ट पैलेट का सर्जरी हुआ है, तो सर्जरी साइट में कोई इन्फेक्शन का कंडीशन अगर अपीयर हो तो एज सुन एज पॉसिबल इन्फॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आपको, हर एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, तो इसको आपको कॉन्सेंट्रेटेडली प्रैक्टिस करना है ठीक से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इन्फेंट विथ सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप ऑन लेफ्ट साइड शुड बी प्लेस्ड ऑन व्हिच पोजिशन। ये ट्रिकी क्वेश्चन आता है इसमें से, कि एक इन्फेंट का क्लेफ्ट लिप का सर्जरी हुआ है कौन सी साइड में, उसका लेफ्ट साइड में। ओके, कौन सी साइड में हुआ है, लेफ्ट साइड में, तो उसको हम कौन सी पोजीशन में प्लेस करेंगे, कौन सी पोजीशन में उसको प्लेस करेंगे, क्या पोजीशन देंगे, तो जो उसका अगर बैक ऑफ राइट होगा तो आपको बैक ऑफ राइट लिखना है, अगर बैक ऑफ राइट नहीं होगा, मान लीजिए उसमें बैक ऑफ राइट नहीं होगा, तो क्या देना है, जो साइड में सर्जरी हुआ है वो साइड उसका ऑपोजिट साइड में प्लेस करना है, प्रोन पोजीशन में प्लेस नहीं करना है। अगर ऑफ राइट दिया होगा तो बैक ऑफ राइट पोजीशन को आपको सिलेक्ट करना है। ओके, अगर बैक ऑफ राइट पोजीशन नहीं दिया होगा, प्रोन पोजीशन को टोटली कैंसिल करना है, प्रोन पोजीशन को टोटली अवॉइड करना है, देखना नहीं है उसको, उस ऑप्शन को, तो प्रोन पोजीशन को आपको अवॉइड करना है, एक ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन, अगर बैक ऑफ राइट दिया होगा तो बैक ऑफ राइट को ही चूज करना, ये गया प्रायोरिटी बेसिस में। अगर बैक ऑफ राइट नहीं दिया होगा तो एक कॉमन ट्रिक है कि जिस साइड में सर्जरी हुआ है पेशेंट को उसकी ओपोजिट पोजीशन में प्लेस करना है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में सर्जरी हुआ है तो उसको राइट साइड में प्लेस करना है, और राइट साइड में सर्जरी हुआ है तो उसको लेफ्ट साइड में प्लेस करना है, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि बैक ऑफ राइट पोजीशन नहीं है तो हम प्रोन को अवॉइड करेंगे, प्रोन पोजीशन तो देंगे नहीं, और बैक ऑफ राइट पोजीशन अवेलेबल नहीं है, तो उसमें क्या हो सकता है, अगर लेफ्ट साइड में सर्जरी हुआ है और ऑप्शन दिया होगा लेफ्ट लेटरल, तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट लेटरल अगर हम टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट लेटरल में देंगे तो वो रब हो सकता है, या राइट राइट साइड में देंगे तो वो रब हो सकता है। इसलिए अगर बैक ऑफ राइट नहीं है तो क्या करना है, जिस साइड में नोच है, जिस साइड में सर्जरी हुआ है उसकी जस्ट ऑपोजिट साइड में पोजीशन देना है उसको। ओके, देन
देन व्हिच सर्जरी परफॉर्म इन क्लेफ्ट पैलेट, कौन सा सर्जरी क्लेफ्ट पैलेट में परफॉर्म किया जाता है, कौन सा सर्जरी क्लेफ्ट लिप में परफॉर्म किया जाता है, ओके। एंड व्हाट इज द रूल दैट कॉमनली यूज बिफोर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी, क्या वो रूल है जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी के पहले ही एसेस किया जाता है, और व्हाट इज ESSR टेक्निक, ठीक है, ESSR टेक्निक क्या है, ओके। तो गाइस ये था कुछ क्वेश्चंस, इसमें से श्योरली आपको देखने को मिल जाएगा, हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसमें से देखने को आपको मिल जाएगा, ओके। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ से आपको बेटर से बेटर प्रिपरेशन प्रोवाइड करवाने की, ओके। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही आपके लिए ट्राई कर रहे हैं जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन है सब्जेक्ट का उसको कवर करने की, ओके। थैंक यू सो मच।